पूरे विश्व में ना केवल दो ही मंदिर थे जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था, विशाल भाई से। और क्या हेलो, हालचाल, कैसे बढ़िया हैं? बढ़िया। कल शाम मैं यहाँ पर सोया था और जिस कमरे में सोया था ना, इसमें मिस्त्री ने कुछ इस तरह से लकड़ी को फिट कर रखा है वॉल में कि इसको मैं काफ़ी देर तक देखते रह गया। और बाहर देखो धूप आ चुकी है, यानी एटलीस्ट सूर्योदय होते ही यहाँ पे धूप के दर्शन हो जाते हैं। और बाहर का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी पहाड़ों पे। और कल रात मैं रुका था इस वाले घर में, तो जिनके यहाँ रुका था उनका नाम है गोपाल जी। तो फाइनली उन लोगों ने काफ़ी अच्छा आदर सत्कार करा, अभी उनसे मिलाता हूँ। उससे पहले दोस्तों यहीं पास में ही है कटारमल सूर्य मंदिर, तो अभी हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर की ओर। तो जिस गाँव में मैं रुका था इस गाँव का नाम है कटारमल। अभी मेरे साथ दो भाई लोग भी हैं, आप यहीं के हो ना लोकल के, तो ये लोग मुझे ले चल रहे हैं मंदिर की ओर। तो चलिए दोस्तों फिर आज के इस वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हो गई है एक और नई सुबह अतुल्य देवी भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत एंड खूबसूरत से पहाड़ों में। आइए आपसे कुछ बात करते हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। मंदिर को जाने वाला रास्ता कटारमल विलेज के बीचों बीच से निकला हुआ है। ये पूरा गांव कटारमल है, पत्थरों से बना हुआ है। यह रास्ता कितना सुंदर है, बहुत मस्त लग रहा है। और साथ में सुबह सुबह चलो मंदिर में जाकर के सबसे पहले दर्शन करते हैं। आज आपका नाम क्या है? अरुण। तो अरुण के साथ लो जी फाइनली मंदिर के भी दर्शन हो गए दूर से ही। ये रहा कटारमल सूर्य मंदिर, और यहाँ से आज तो हिमालय के दर्शन भी हो गए सामने। ये वाव, एकदम क्लोज ही लग रहा है पूरा। और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है चारों तरफ, ये देखिए आप। आज तो मौसम भी एकदम क्लीन है दोस्तों। वर्षों से मैं सोच रहा था कि कब मैं कटारमल सूर्य मंदिर जाऊंगा। एक्चुअली दोस्तों पूरे विश्व में ना केवल दो ही मंदिर थे, एक कोणार्क सूर्य मंदिर और ये। तो फाइनली ये जो मंदिर है ना, ये है अधेली सुनार गांव में, जिस गांव का नाम बदल करके बाद में कटारमल कर दिया गया। तो चलिए पूरे मंदिर का आपको भ्रमण कराता हूँ थोड़ा बहुत जानकारी के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली गाइस। यहाँ पर कटारमल सूर्य मंदिर भारतवर्ष का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है दोस्तों। यह पूर्वाभिमुखी भी है, और साथ में दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक कटारमल के द्वारा 6वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। और दोस्तों यह मंदिर ना कुमाऊं के विशालतम ऊंचे मंदिरों में से एक व उत्तर भारत में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। और इस कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश के शासक कटारमल के द्वारा हुआ था दोस्तों, जो भारतवर्ष में सूर्य देव को समर्पित प्राचीन और प्रमुख मंदिरों में से एक है। आज भी मंदिर के ऊंचे खंडित शिखर को देखकर इसकी विशालता व वैभव का अनुमान स्पष्ट होता है दोस्तों। एक खास बात और, मुख्य मंदिर के आसपास ना 45 छोटे बड़े मंदिरों का समूह भी बेजोड़ है। मुख्य मंदिर की संरचना तिरथ है और वर्गाकार गर्भगृह के साथ वक्र रेखी शिखर सहित निर्मित है दोस्तों। गर्भगृह का प्रवेश द्वार बेजोड़ काष्ठ कला द्वारा उत्कीर्ण था। और दोस्तों इस मंदिर में भंडारा होता है ना पौष महीने के लास्ट रविवार को, यानी पौष महीना पड़ता है दिसंबर या जनवरी के बीच में लगभग। तो चलिए गाइस फिर अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो कहाँ का होता है। और उससे पहले मिलाना है मैंने आपको भैया से, मैं जिनके यहाँ कल शाम रुका था, तो चलिए उनके यहाँ चलते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद फाइनली मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ कल शाम, जहाँ पर मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ था। अभी तो मैंने अंदर से सामान उठा करके सारा सामान गाड़ी में इस तरह से लोड कर दिया है। तो फाइनली कल शाम मैंने बताया ना आप लोगों को कि मैं गोपाल जी लोगों के यहाँ रुका था। तो ये दो भैया की यहाँ पर शॉप है, जस्ट कटारमल मंदिर को जाने वाले रास्ते में ही है ना, यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, वैसे रोड भी जाती है साइड से। तो ये भैया का नाम है केशव और ये भैया हैं गोपाल जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली गाइस आप जब भी आते हैं कटारमल सूर्य मंदिर दर्शन करने के लिए, तो इनका जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है एटलीस्ट रास्ते में ही है, तो आप एक बार सेवा का अवसर भैया लोगों को ज़रूर दें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर भैया, बाय बाय। तो चलिए गाइस फिर चलते हैं। ये रहा शॉप जहाँ पर मैं रुका था, और कटारमल सूर्य मंदिर है सामने वाले पहाड़ पे, और यहाँ से है पैदल जाने का रास्ता। और फिर से गाड़ी ले ली और अब धीरे धीरे मैं बढ़ने लगा हूँ, लेकिन नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है मेरी जीबी पंत संग्रहालय, पंडित गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय यहाँ पर ही है। उसका भी काफ़ी मैंने नाम और जिक्र सुना था, तो फाइनली वहाँ पर जा कर के देखते हैं फिर वहाँ पर क्या है कैसा है।
और यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत नीचे तक डाउन ही मिलेगा और डाउन में न्यूट्रल में ले जा रहा हूँ। और आज पहाड़ों में हल्के हल्के बादल तो लगे हुए हैं, पर बरसात का मौसम है, कभी भी कहीं से भी बारिश आ सकती है। जैसे कि पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, बारिश ऐसे आई कि मुझे पता ही नहीं चला, मैं पूरा का पूरा भीग गया था। और यहाँ कटारमल आने तक मैं पूरा भीगा था, यहाँ आकर के मैंने कपड़े चेंज करे थे। तो जी पहुंच चुके हैं गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान। अरे ये तो पर्यावरण संस्थान, बट पूछ लेते हैं पहले। नमस्कार सर। सर पंडित गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय है या ये हिमालय क्या है, मतलब संग्रहालय कहाँ है? अल्मोड़ा मेन मार्केट में है जो? अच्छा मैं गलत आ गया फिर इसका मतलब। अरे छोड़ो, जो भी है उन्होंने मुझे बता दिया है, यहाँ से मेन मार्केट में है, अब मुझे मेन मार्केट जाना। और देखो जीवी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन। तो फाइनली मैं निकल चुका हूँ यार, मुझे ना उन्होंने बताया था, एक्चुअली मैंने गूगल में देखा भी नहीं था। और खैर छोड़ो, वहाँ पे पहुँच गया था, अब उन्होंने रास्ता बता दिया, यहाँ से 14-15 किलोमीटर मुझे फिर से अल्मोड़ा मॉल रोड में जाना पड़ेगा। आज मुझे लगता है केवल यही दो जगह कवर हो पाएंगी, एक तो कटारमल सूर्य मंदिर हो ही गया है और एक पंत संग्रहालय। तो वहाँ तक जाने के लिए कम से कम पौन घंटा तो लगना ही लगना है, पहाड़ की रोड है और यहाँ पे बहुत ज्यादा संभल करके चलने की जरूरत है। अल्मोड़ा 11 किलोमीटर। अब जाकर के मैं पहुंच गया हूं अल्मोड़ा माल रोड। पर पहुंचने के बाद अंदर गया, अंदर तो यार कैमरा अलाउड नहीं था, एक्चुअली अंदर तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। अंदर बस यही था जैसे कि पहले के समय में राजा महाराजाओं के समय की चीज़ें वहाँ पर हैं, और जो कलाकृति है यानी पत्थरों पे जो मूर्तियाँ तराशी गई हैं वो सभी कुछ अंदर संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि एक बढ़िया तरीके से रख करके वहाँ पे उसको डेकोरेट किया गया है, जिसमें हमारे पुराने समय के वाद्य यंत्र ढोल दमाऊँ हुड़का और उसके साथ जो पुराने समय के जेवर हुआ करते थे और जो पत्थरों में तराशी गई मूर्तियाँ और उसके साथ साथ ही पहले के समय में हस्तशिल्प, साथ में ताम्रपत्र, पहले के समय में चलने वाले सिक्के जो कि यूनानी सिक्के और उसके बाद अंग्रेज़ों वाले सिक्के और जो इंडियन सिक्के हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं संग्रहालय में। खास बात और लिखी हुई है, जो जहाँ से मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं यानी खदानों से या मंदिरों से जहाँ से भी मूर्तियाँ प्राप्त हो रखी हैं उनके नीचे वो जगह का नाम भी मेंशन कर रखा है। तो कुल लगा करके ना यहाँ पर देखने लायक है, यानी फैमिली के साथ आओ और ख़ुद भी देखो और दिखाओ भी, मतलब कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा इतिहास, हमारे भारत, हमारे उत्तराखंड में ऐसी ऐसी चीज़ें थी, ऐसा हुआ था, ऐसा होता था। तो ये सब कुछ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली यहाँ पर अगर आप विज़िट करते हैं तो अल्मोड़ा मेन रोड यानी जहाँ पे मॉल रोड है, मॉल रोड के जस्ट पास में ही आपको पंडित गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय मिल जाएगा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। खैर छोड़िए, अभी तो यहाँ पर सब कुछ देखने के बाद अंदर से खुशी की अनुभूति हो रखी है ना, वो कैसे बताऊँ मैं आपको। तो अभी तो फ़िलहाल चलते हैं फिर अपने रास्ते में। एक्चुअली अब जो है नेक्स्ट ट्रिप जागेश्वर की होने वाली है, तो जागेश्वर तक तो शायद आज मैं राइड नहीं कर पाऊँगा, तो देखते हैं फिर कहाँ तक आज राइड हो पाता है। अभी फ़िलहाल दोपहर की खाने की व्यवस्था देखते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे हम नेक्स्ट राइड की ओर। ये रहा रास्ता और सामने के ये रहे खूबसूरत से नज़ारे, और इन्हीं नज़ारों के साथ चलो फिर से राइड शुरू करते हैं। आज के दोपहर का खाना हुआ पेट साल में यहाँ पर। एक खास बात और दोस्तों, आजकल सावन महीने में जो वहाँ पे मेला लगता है जागेश्वर में, वो मेला भी लगा हुआ है ऐसा मैंने सुना। अब देखो आगे आगे जाकर के पता चलेगा, अगर मेला लगा होगा ये तो और भी अच्छा है, आपको मेला भी देखने को मिलेगा और मंदिर तो दिखाएंगे। खैर चलो फिर फिलहाल तो हम करते हैं नॉन स्टॉप राइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा सावधानी से यहाँ पर राइड करने की ज़रूरत है, रोड भी जगह जगह ख़राब हो रही है। ये
रहा रास्ता साइड से राइट। एक्चुअली बात यह है, अभी तक मैं गया था जागेश्वर वाली रोड में और वहां से मैं रिटर्न आ गया, अब दूसरी रोड में दूसरे रूट पर जा रहा हूँ। सुबह मेरा प्लान कहीं और जाने का था, एक्चुअली भैया ने फोन नहीं उठाया था, मैं जिनके यहाँ अब जा रहा हूँ। अभी जाकर जब मैं जागेश्वर वाली रोड में गया, एक बार सोचा चलो और कॉल लगा ही लेता हूँ फिर, और कॉल जब लगाया तो उसके बाद उन्होंने कॉल उठाया और बात हुई, तो फिर मैं वहाँ से वापस रिटर्न आया। अब जाकर के मेरा रूट चेंज हो गया, आज मैं जागेश्वर नहीं जाऊँगा, अब जागेश्वर नेक्स्ट ट्रिप होगी। अब कब होगा जागेश्वर का प्लान ये आगे आगे पता चलेगा, फिलहाल आज तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से आगे, अब आगे आगे आपको पता चले जाएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फाइनली गाइज मैं मिल चुका हूँ जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था, विशाल भाई से। और क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो काफ़ी लंबे समय से मुझे इंतज़ार था विशाल भाई से मिलने का, जो आज पूरा हुआ। तो अभी हम रोड के रास्ते आ रहे थे और रोड में अभी दुकान में सारा सामान मैं छोड़ करके आ गया और खाली बैग लेकर के आया हूँ, ये देखो पीछे से बस हल्का सा सामान। और विशाल जी अभी कितना दूर है यार घर? बस सामने देखो, एक बार दिखा दो ऑडियंस को। अच्छा तो ये हमारा सामने। हाँ वाह बड़ा मस्त है यार, पूरे बखई जैसे ने। हाँ हाँ पूरे बखई, और बाकी हमारे बखई वानक सब मतलब पूरे गांव वालों के खेत हमारी यही है। अच्छा फिलहाल चलते हैं फिर। और क्योंकि तो कैसे ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, और इस वाले ब्लॉग को भी करते हैं फिर रास्ते में एंड। हाँ। और ज़्यादा मिलेंगे घर वालों से कल, और कल तो शायद हरेला भी है ना। हाँ। तो भाई कल तो हरेला का त्यौहार भी, देखते हैं फिर कैसे क्या होता है राउत जी के गांव में। तो चलिए गैस फिर इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। आई होप गैस आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, यदि ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।